हाय दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर श्रीपाल और आज का टॉपिक है कि पिंपल्स क्यों होते हैं, मैंने जिन पेशेंटों को ट्रीट किया है उनमें क्या मेडिसिन दी थी और क्या डाइट रखी जाती है। सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन जरूर दबाना ताकि हर बीमारी की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे, आपको जानकारी मिलती रहे। तो शुरुआत करते हैं पिंपल्स क्यों होते हैं। तो पिंपल्स इसलिए होते हैं कि जो सेबेसियस ग्लैंड है या जो ऑयल ग्लैंड होती है फेस के ऊपर, वो क्लॉज हो जाती है, मतलब भर जाती है, या तो उसके अंदर इन्फेक्शन लग जाता है जिसके कारण वो फूल जाती है और उसमें स्वेलिंग आ जाती है या इन्फ्लामेशन आ जाती है और इसी के कारण से पिंपल्स होते हैं। जनरली यंग एज में ही पिंपल्स होते हैं। पिंपल होने के कारण ये भी है कि जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं यंग एज में, उसके हिसाब से भी पिंपल्स होते हैं। जैसे मैंने कहा कि जब सेल्स का ब्रेकडाउन होता है, तो ब्रेकडाउन होता है तब वहाँ पे इन्फेक्शन लगने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो इन्फेक्शन लगने के चांसेस के हिसाब से वहाँ पे जब इन्फेक्शन लग जाता है तो उसके हिसाब से पीले कलर का अंदर से पस निकलना शुरू हो जाता है। दूसरी सिंपल इन्फ्लामेशन भी होती है, ऑयल का सीक्रेशन ज़्यादा होता है, ये सारे रीजंस है जिसके हिसाब से पिंपल्स होते हैं। मैं नॉर्मली पिंपल्स को दो भाग में डिवाइड कर रहा हूँ, एक तो जिसमें पस नहीं होता है, छोटी छोटी फुंसियाँ होती है, और दूसरे जिसमें पस होता है जो पीले कलर की छोटी छोटी होती है या पीले कलर की बड़ी बड़ी भी होती है। वैसे तो पिंपल्स को काफ़ी अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया गया है, पुस्टुल्स है, पेप्यूल्स है, सेस्ट है, वाइट हेड है, ब्लैक हेड है, इस तरह से अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया है। पर जनरली आप बेसिकली इतना समझ लीजिए कि या तो उसके अंदर पस भर रही है या तो उसके अंदर पस नहीं भर रही है। अब इसके बारे में बताएंगे मैंने क्या ट्रीटमेंट्स वगैरह सेट की थी पेशेंट्स को। मैंने कई पेशेंट को ट्रीटमेंट दी थी, तो इसमें से एक पेशेंट आप ले लीजिए, उनको मैंने ट्रीटमेंट दी थी तो उसको मैंने डर्मिफायर सिरप दी थी जो सुबह शाम लेनी होती है, और पिम्पटॉन टैबलेट दी थी वो भी सुबह शाम एक एक गोली लेनी होती है। ये मेडिसिन पेशेंट ने तकरीबन 10-15 दिन तक ली थी, उसके बाद मेरे पास आया तो उसे लगभग 50-60% आराम पड़ चुका था। फिर मैंने मेडिसिन दी तो सेकेंड टाइम जब आया तब तक उसे क्लियर हो चुके थे। लेकिन एक चीज़ याद रखनी चाहिए कि जब पिंपल्स क्लियर हो जाते हैं उसके बाद ही मेडिसिन चालू रखना पड़ता है, क्योंकि एक भी पिंपल्स अगर रह गया तो वो साइकिल फिर से शुरू हो जाएगा और फिर से नए पिंपल्स बनने शुरू हो जाते हैं। एक बार वो क्लियर हो जाए उसके बाद थोड़े टाइम तक और मेडिसिन लेनी चाहिए। अगर कुछ शॉर्ट टाइम तक पिंपल्स आपको नहीं होंगे तो उसके बाद वो वापस निकलने बंद हो जाते हैं। एक्सटर्नली मैंने कुछ लगाने के लिए दिया नहीं था पेशेंट्स, कोई क्लिंडामासिन का ऑइंटमेंट या ट्यूब वगैरह आती है वो लगा रहा था, तो एक्सटर्नली वो लगा सकते हैं, क्योंकि सिर्फ एक्सटर्नली लगाने से ये नहीं होगा, क्योंकि इंटरनली सेबेसियस ग्लैंड है या उसमें जो इन्फ्लामेशन होती है, जो इन्फेक्शन होते हैं, वो सिर्फ लगाने से क्लियर हो जाएगा ऐसा नहीं। एक जगह लगाओगे तो यहाँ मिट जाएगा, फिर दूसरी जगह होना शुरू हो जाएगा, तो इंटरनल मेडिसिन लेना जरूरी रहता है। अब डर्मिफायर सिरप है तो डर्मिफायर सिरप है, उसमें गंधक रसायन आता है और खदिराष्टक क्वाथ का कॉम्बिनेशन वगैरह है, मंजिष्ठा वगैरह आता है उसके अंदर। जो पिम्पटॉन है तो पिम्पटॉन जो है उसमें रक्त पाचक योग है, शुद्ध गुगड़ आता है और उसमें भी गंधक रसायन का डोज रहता है, तो ये सारी मेडिसिन काफ़ी अच्छी रहती है। अगर आपको हार्मोनल चेंजेस के हिसाब से हो रहा है, इन्फेक्शन के हिसाब से हो रहा है, उसकी जो इन्फ्लामेशन है, इन्फ्लामेशन को कम करना होता है, दूसरी बार ना हो उसका ध्यान रखना होता है, तो ये मेडिसिन काफ़ी काम करती है। अगर आपको डर्मिफायर और पिम्पटॉन कहीं पर नहीं मिल सकती है तो आप जनरली गंधक रसायन शुरू कर सकते हैं सुबह शाम, एक खदिरारिष्टा शुरू कर सकते हैं 20-20 ml सुबह शाम, और आप साथ में कैसोर गुगलु शुरू कर सकते हैं सुबह शाम एक एक। आप नॉर्मली ये तीन चीज़ स्टार्ट कर सकते हैं, इससे भी आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिल जाएगा। एक रक्तपाचक योग भी स्टार्ट कर सकते हैं साथ में, लेकिन वो बाहर मिलना मुश्किल है। अगर आप इंक्वायरी करना कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर से तो उनके पास ज़रूर होगा रक्तपाचक योग। अगर ये आप चार चीज़ सेट करते तो भी पिंपल्स काफ़ी तेज़ी से और आसानी से आपको क्लियर हो जाएंगे। अब बात करते हैं कि इसमें डाइट क्या रखनी चाहिए। जैसे कि मैं पहले भी वीडियो में कह चुका हूँ, मैं ज़्यादा डाइट नहीं रखवाता हूँ, ज़्यादा परहेज नहीं रखवाता हूँ। फिर भी अगर इसके अंदर ये चीज़ का ध्यान रखना होता है कि आप कोई ऑयली चीज़ या स्पाइसी चीज़ ना लो, क्योंकि ऑयल का सिक्रेशन ऑलरेडी ज़्यादा हो रहा होता है, तो ऑयली चीज़ नहीं लेनी चाहिए, स्पाइसी चीज़ नहीं लेनी चाहिए ताकि इन्फ्लामेशन ज़्यादा ना हो जाए। जैसे तीखा है, कोई तली हुई चीज़ है, फ्राई की हुई चीज़ है, इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए जहाँ तक हो सके। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए, फेस को हमेशा पानी से धो के क्लीन करना चाहिए। जो पिंपल्स है उसको फोड़ना नहीं चाहिए हाथ से, उसको दबा के, आप सोचो कि दबा के निकाल देता हो तो नहीं, फिर वहाँ पे दाग बन जाएगा, ब्लैक स्पॉट हो जाएंगे। तो उसके बारे में मैं बाद में वीडियो बनाऊंगा तब आपको बताऊंगा कि जो ब्लैक स्पॉट होते हैं, फिर जो मेलाज्मा होते हैं, पूरे ब्लैक ब्लैक हो चुके होते हैं यहाँ पे, उसके लिए क्या ट्रीटमेंट होती है, मैंने क्या ट्रीटमेंट देके पेशेंट्स को ये प्रॉब्लम सॉल्व की थी। लेकिन अभी अपने को ये ध्यान रखना चाहिए कि पानी ज़्यादा पीना चाहिए, यंग एज में होता है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए, और मेडिसिन स्टार्ट कर देनी चाहिए ताकि अगर ज़्यादा निकल रहे तो ना निकले और फेस ज़्यादा ख़राब ना हो।
अब जितने निकले हैं उसके हिसाब से टाइम पीरियड होता है। एक पेशेंट को 10 दिन में अच्छा हो गया था, 10 से 15 दिन में, कुछ पेशेंट को एक महीना भी लग जाता है, डेढ़ महीना भी लग जाता है। तो आज की वीडियो में यही है कि जो ऑयल ग्लैंड है, सेबेसिस ग्लैंड है, उसके अंदर इन्फेक्शन के हिसाब से या जब वो भर जाती है उसके हिसाब से यंग एज में नॉर्मली देखा जाता है। और दूसरा ये कि जो मैंने ट्रीटमेंट दी थी, और तीसरा डाइट, डाइट में कम रखवाता हूँ, लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए, जैसे खट्टी चीज़ें वो भी नहीं लेनी चाहिए, बटर मिल्क वगैरह है या कर्ड है, ऐसी चीज़ों को भी अवॉइड करना चाहिए। तो आज की वीडियो में यही, अगले वीडियो में कुछ और नई प्रॉब्लम्स को लेके आऊँगा, किसी नई बीमारी को लेके आऊँगा। तब तक कनेक्ट रहिएगा, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।